what is up guys, welcome to my channel Speedy Information Vlogs. Let's start our vlog. Firstly, आज आपको मैं बता दूं कि ये एक vlog video है जिसमें मैं एक bike को cover करने वाला हूँ जो बहुत ही interesting color scheme में आई हुई है. मैंने पहले भी Dominar 400 देखी हुई है लेकिन वो सब green colors में है और मैं आज blue color को review देने जा रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा interesting topic रहेगा. उसके बारे में A to Z details में बात करेंगे. So let's move on to our topic and keep subscribe my channel and like this video and make sure to do comments. वट इज़ अप गाइस, आज आप लोगों के सामने मैं बात करने वाला हूँ इस डोमिनार के बारे में. ये हमारी रानी खड़ी है, इसके साथ में खड़ी डोमिनार 400 जो एक बजाज का प्रोडक्ट है. वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कलर स्कीम में है इसलिए मैं ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर चलकर आया हूँ बाइक पे राइड करके आया हूँ इस बाइक को कवर करने के लिए. काफ़ी ज़्यादा ऑसम लगती है यार मुझे ये. मैंने भाई के पास देखी थी, मैंने भाई को रिक्वेस्ट की कि मैं आपकी बाइक की वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो वो ऊपर रूम में इस वक्त बैठे हुए हैं और मैं नीचे उनकी वीडियो बना रहा हूँ बाइक की. तो इनका जो वाइज़र है इन्होंने एक्सटेंडेड लगवाया हुआ है, साथ में LED लाइट्स लगाई हुई हैं और इसके साथ में गार्ड लगे हुए हैं छोटे छोटे जो आपको मैं बताता हूँ साइड पे है. बिल्कुल फ्रेम्स वगैरह तो आपने सब कुछ देखा ही है इसका. ये इसकी आप देख सकते हो एक गार्ड लगा हुआ है नीचे छोटा सा बिल्कुल, और ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लुक देता है और बाइक को भी बचाता है. मैं तो कहता हूँ सबको इंस्टॉल कराने चाहिए क्योंकि यार बिना गार्ड्स के आप जब गिरोगे ना तो बाइक का कुछ नहीं बचता, आपका भी नहीं बचेगा. और ये जो गियर लीवर है, मतलब ये ब्रेक लीवर है, ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और साथ में मिरर्स भी काफ़ी भाई ने अच्छे लगाए हुए हैं. और डोमिनार की बैचिंग जो आगे इसके जहाँ ब्रेक ऑयल पड़ता है वहाँ पे जो दिख रही है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे LED इंडिकेटर्स के साथ. ये बाइक मैं कहता हूँ आप रेयर प्रोफाइल इसकी देखिए, वाकई मैं कहता हूँ यार ऑसम चीज़ है यार डोमिनार 400. मैं कहता हूँ कि KTM लवर्स बहुत हैं दुनिया में लेकिन कभी आप डोमिनार को राइड करके देखो. और एक कहते हैं हैवी बाइक को चलाना और एक जो KTM 390 है ना वो एक्चुअली में बाइक काफ़ी ज़्यादा लाइट है, तो 390 सीसी की बाइक को चलाते हुए ऐसा फील नहीं होता कि 390 सीसी की बाइक चला रहे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है. माना कि परफॉर्मेंस में उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है बाइक डोमिनार से लेकिन फिर भी इतना डिफरेंस नहीं आता है. लेकिन इसका बॉडी वेट के हिसाब से अगर आप देखोगे ना काफ़ी बैलेंस बाइक लगती है, वो लगता है कि कोई बाइक हम चला रहे हैं. मैं बुलेट चलाता हूँ यार, मेरे जो मुझे पर्सनली हैवी बाइक्स पसंद है इसलिए मैं R1 को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, R15 से ज़्यादा. माना कि वो महंगी है लेकिन फिर भी यार बाइक तो बाइक है ना. चलो लेट्स मूव, बाइक काफ़ी अच्छी है. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.